खाना खजाने बता रहे हैं, आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दाल बाफले। यहाँ पर हमने एक कटोरे तुअर दाल ली है, जिसको हमने धोकर एक घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालकर इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, 1 पिंच हींग, 1/3 हल्दी पाउडर, और अब हम प्रेशर कुकर को लगा के इसको मलने के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारी दाल उबल कर तैयार है। अब हम इस पे तड़का लगा लेते हैं। हमने गैस की फ्लेम ऑन करके उसपे कढ़ाई रख ली है। अब हम उसमें ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को गर्म होने का वेट करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा, फ्राई कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक और ग्रेट की हुई लहसुन डाल देते हैं। और अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसको हल्का गोल्डन होने तक भूनते हैं। और हमारी पैन हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हरा धनिया पाउडर, और हम इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, जो कि हमने हल्दी पाउडर पहले ही दाल में डाल दिया था। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। हमें नमक डालते समय याद रखना है कि हमने पहले दाल में भी नमक डाला था, इसलिए हम इसमें थोड़ा कम ही नमक डाल रहे हैं। साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, जिससे ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाए। और ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। अब हम दाल में थोड़ा सा पानी और डालते हैं और इसको एक उबाल आने तक पकाते हैं। और ये हमारी दाल में एक उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें धनिया डालकर गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसपे हम 1/2 कटोरी सूजी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मीठा सोडा, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम देसी घी का मौन डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। हम इसकी अच्छे से गुठलियां फोड़ देंगे और फिर इसे नॉर्मल पानी से गूंथ लेंगे। हमारा मौन ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं। और हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको रेस्ट करते 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी बड़ी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये बाफले बनकर तैयार है। और साइड में ही हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और ये पानी में उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें बाफलों को डाल देते हैं। हमने पानी में बाफलों को डाल दिया। अब हम इसे ऐसे हल्का सा हिला देंगे, जिससे ये नीचे ना चिपके। ये हमारे बाफलों को 10 मिनट हो गए उबलते हुए।
और ये पानी में ऊपर तैरने भी लगे हैं, यानी ये हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने वाफलों को निकाल लिया है, अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए हवा में रख देंगे। और ये हमारे वाफले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें ओवन में रखकर सेक लेंगे। अब हम इन्हें मीडियम आंच पर बार बार पलटते हुए सेक लेंगे। और ये हमारे वाफले सेक कर तैयार है, अब हम इन्हें एक प्लेट में लगा के घी लगा लेंगे। हमने यहाँ पर एक वाफला लिया है जिसको हम थोड़ा सा क्रैक कर लेंगे और उसको घी में डिप कर देंगे और हम ऐसे ही और वाफलों में भी घी लगा लेंगे। हमारे दाल वाफले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।